आज के बाद बहुत हमारे जज्जा साहब का स्कूल है दर्शन के महफिल थी, तो दीन की बात सुनने आए थे, तो मैंने जो है आपको दिखा दूँ इधर पूड़ियों का जो है ना नाश्ते का सिस्टम आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस यूट्यूब चल नाश्ते का बंदोबस्त किया हुआ मतलब मशाला भाई सारे थोड़े इधर रश डाला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह दीन के लगे अल्लाह इनके लिए आसानियाँ करे। नाश्ता कर लिया हम फारिग हो गए मसरूफ थे काफ़ी सर करते करते काफ़ी देर हो चुकी थी, तो आज हम बैठे हुए सारे माशाल्लाह सारे लगे हुए सारे मसरूफ अभी भी खाना खा रहे हैं। ये फंक्शन था डायरेक्ट साइड स्कूल में ये फंक्शन था हाथ धो गया तो गल हाथ धोने गया मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह सारे भाई लगे हुए हैं इधर हाथ हिला रहे थे हमने खाना खाया ये भाई मारे लगे हुए हैं इसमें खलबे में खोया डला हुआ है पूरा भाई ने खींच के रखे है माशाल्लाह बहुत अच्छा जबरदस्त बना था माशाल्लाह दुनिया दी नाम दी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ था। ये देखिए माशाल्लाह सारा कुछ रगड़ दी अब सर अभी भी थोड़ा सा सालन है बदतमीज कर रहे हो अंकल के साथ बैग ही नहीं बसी की थी अल्लाह तो बता अपनी लत जी कहा जो मैं तेन जान बोलू पता नहीं है भाई वो कह रहा है कि सारा शुगर ला डे भाई माशाल्लाह सब ने खाया ज़बरदस्त था। ये देखिए उधर काफ़ी लोग पहले भी खा के गए हैं बर्तन वगैरह अभी भी बड़े हैं आप देख सकते हैं और मैं अब आपको बोल रहे हैं आप दिखाऊँ ये उन्हें हलवा हो तो क्या ही बात होती है ज़बरदस्ती होती है मज़ा तो आ गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया पूड़ियाँ भी थी नाम बहुत ही मज़ा आया ज़बरदस्ती तो सुना नहीं हम लेट हो गए पर अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने का बहुत मज़ा आया। आपको मैं फूल भी दिखा देता हूँ देखिए मौलवी साहब जो इधर खिताब दे कर रहे थे उनके लिए फूल है कैमरा तो याद नहीं रहा ले गया ना भाई वो भी ले गया था। ये देखिए माशाल्लाह उन्होंने मौलवी साहब को दस्ता दिया था उन्होंने फूल का ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक हो गया बड़ी मेहरबानी। ये कि माशाल्लाह सारे बर्तन पड़े हुए हैं पूरा इंतजाम है माशाल्लाह किया था बॉयज़ कैंपस है जो सेटला टाउन में मौजूद है तो कहेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा एड्रेस आपको पता चलेगा कौन सा तकरीबन ये दर्स कुरान होता है अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 बंदे आते हैं रोज़ माशाल्लाह काफ़ी एजाज की बात है वो कुरान पाक सिखा रहे हैं तो हमें भी सब कुछ सीखना चाहिए अल्लाह से फरमाए और अमल करने की छोटी किताब फरमाए। अभी आपको थोड़ा सा और व्यू दिखाते हैं थोड़ा वेट कीजिए देख सकते हैं ये इस जगह से बाहर निकले बर्तन पड़े हुए हैं धोने के ये बेसन लगे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं बाहर जा रहे हैं। ये स्कूल है माशाल्लाह साहब काफ़ी बड़ा है उधर पौड़ियाँ वगैरह उन्होंने बढ़ाई थी इंतज़ाम उधर था माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन रहा है आप देख सकते हैं ये सारा ये उनका दफ्तर है सारा इंतजाम क्या हम सारे बर्तन इकट्ठे कर रहे हैं माशाल्लाह लगे हुए हैं अल्लाह की जो है अपनी खिदमत कर रहे हैं ये सारे जो है ना भाई सब लगे ये सारे बर्तन इकट्ठे कर रहे हैं तो आपको मैं ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ जैसे सारे इकट्ठे हो रहे हैं ये भाई हम दस रहे हैं वो माशाल्लाह लगे हुए ये मेरा भाई है सारे हम लगे हैं भाई ज़बरदस्त है इंशाल्लाह हम सारों भाइयों को भी अल्लाह अमल करने की तौफीक दे और इसी तरह ही खिलते रहे मुस्कराते रहें दुआ में याद रखें। ब्लॉग वहाँ से शुरू करते हैं आज हम ना अभी सफ़े उठा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ मेरा भाई बहुत सफ़े उठा रहा है दिखाता हूँ भाई अभी भी सफ़े उठा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है अल्लाह ताला खुश होते हैं
बड़ा कुछ ये कपड़े सारे बर्तन वगैरह हमने उठा दिए, तो अब सफ़े उठाने की बारी है। तो इंशाल्लाह बाद में कुर्सियाँ बैठाएंगे, वो देखिए कितने बड़े बर्तन अभी भी पड़े हुए हैं, तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें सफ़े उठा रहे हैं। अब मैं इसके साथ मिलकर टेबल थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, फिर करते हैं। ये देखें जी अभी टेबल उठाने की बारी है, मेरा भाई सामने ही, अभी इसको उठा के एक साइड पर कर देते हैं, अंदर लेके जाते हैं, देख लेते हैं अंदर आता है कि नहीं आता। हाँ आ गया, तो हम अंदर ले आए हैं कमरे के अंदर आ गए। ये देखें अब देख सकते हैं ये कमरा है जिधर कुर्सियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं, कुरान पाक पढ़े हैं। अभी हम सफ़े उठाने लगे, इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये कुर्सियाँ शुर्सियाँ साइड पर करनी पड़ेंगी। ये देखें मैं कुर्सियाँ साइड पर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो देखें मेरा भाई सफ़े खींच रहा है, तो ऐसे ही हम इसको इकट्ठी करेंगे सारी को। आप देख सकते हैं ये नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला खुश होते हैं। बाद में हेल्प करनी चाहिए हर एक के साथ, और कोशिश करनी चाहिए अच्छे काम करने की। ये देखें ताकि हम अपने आप को अच्छे कामों की तरफ रागब कर सकें, अपने आप को सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश किया करें। ये देखें अब ये बड़ी सख्त रह गई है जो मेरा भाई इकट्ठी कर रहा है। इंशाल्लाह आधे घंटे तक या 15-20 मिनट तक काम ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से ये देखिए इकट्ठी कर रहा है, बड़ी खुशी की बात है, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है। ये देखिए भाई भी आ गए हैं, इस टाइम काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वो भी अभी काम में मसरूफ़ हैं। वालेकुम सलाम, ये भैया आ गए, इनको मैं नंबर बता दूँ, फिर आपसे रब्ता कर दिल्ली आ गया था। तो अब दोबारा वो सफ़ें उठानी शुरू की हैं, तो आपको वो भी दिखाता हूँ कौन कौन सी सफ़े उठा रहे हैं। टीम का काम करके एक अलग ही खुशी होती है, बिल्कुल तो अल्लाह भी खुश होता है। कुर्सियाँ समेटने की बारी आ गई है, तो मेरा भाई इकट्ठी कर रहा है कुर्सियाँ, बहुत अच्छी बात है। कुर्सियाँ समेटने के बाद ये नीचे एक सफ पड़ी हुई है जो इकट्ठी करनी है, सारी तकरीबन इकट्ठी कर ली है। ये कुर्सियाँ साइड पर करते हैं, आप देखते हैं। अब हम अपने हाथों से भी कुर्सियों को उठा के साइड पर करते हैं ताकि आसानी हो जाए। हम ज़रा कुर्सियाँ उठाते हैं, आपको स्क्रीन में नज़र आ ही रहा होगा। ये देखिए मैं कुर्सियाँ उठा रहा हूँ, तो आज का काम बहुत ही अच्छा रहा है। दीन की बातें सुनी हैं कुछ, पर मैं लेट पहुँचा था, इसके लिए माजत। मैंने कहा अपने भाइयों को बता दूँ कि आज के ब्लॉग में हम दीन की बात सुनने आए थे, उसके बाद हमने पूड़ियाँ और नान चने का नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया। मिलजुल कर भाइयों के साथ बैठे थे। अब मेरा भाई ये सब इकट्ठी कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखें इकट्ठी हो रही है सब, तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया तकरीबन, सब इकट्ठी कर रही है सारी। ये देखिए कुर्सी ने सामने लगा दी है, ये देखिए इधर इकट्ठी हुई है, पर इनको बाकायदा तौर पर रखनी पड़ेंगी। अब ये सब हैं इकट्ठी हो गई हैं, तो अब इनका भी देखते हैं क्या करते हैं, इनको साइड पे लगाते हैं।